नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिश्नो स्थित नहटौर की, जहां से हमारे संवाददाता ऋषभ जैन से मिली जानकारी के अनुसार नहटौर क्षेत्र के गांव बिलासपुर में एसओजी टीम व नहटौर पुलिस ने छापा मारकर अवैध रूप से शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। मौके से पुलिस ने खाली क्वार्टर व शराब बनाने के उपकरण और दो कार बरामद की है। पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से करीब 2000 खाली क्वार्टर, 250 लीटर अल्कोहल, 58 बोतल देशी शराब, 105 फाइटर देशी क्वार्टर, 2 कार डस्टर व ब्रेजा, 2470 रैपर, 15 कार्टून गत्ता पैक करने वाले व शराब बनाने के उपकरण आदि माल बरामद किया। एसपी पूर्वी ओमवीर सिंह व सीओ अजय कुमार अग्रवाल भी थाने पहुंचे और मामले की जानकारी दी। इस दौरान एसपी पूर्वी ओमवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, जनपद बिजनौर की स्वाट और सर्वेलेंस टीम तथा थाना नहटौर की पुलिस द्वारा एक उत्कृष्ट कार्य किया गया है। इसमें एक बड़े गैंग का भंडाफोड़ किया गया है, जो मिश्रित शराब बनाता था, जो लोगों के ना केवल जीवन से खेलता था बल्कि सरकार को भी राजस्व की हानि इससे हो रही थी। ये पूरा का पूरा गैंग जो है ईएनए के द्वारा फर्जी बोतल, एक ब्रांड आती है फाइटर, उसके नाम से ये बनाते थे। अब मिश्रित शराब को बना के उस पर बारकोड, उस पर जो शराब ठेकों पर बिकती है उसके रैपर्स वगैरह लगा के और पूरे बिजनौर जनपद में व्यापक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इसका वितरण चल रहा था, जो पूछताछ में सामने आया है। इसमें करीब 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इसमें वो सभी लोग सम्मिलित हैं जिनके यहाँ बनती थी, जो बनवाते थे। इसमें वो लोग भी सम्मिलित हैं जो ईएनए की सप्लाई करते थे और ये एक उत्कृष्ट काम हुआ है, जिससे निश्चित रूप से जो अवैध शराब और जहरीली शराब है इस पर अंकुश लगेगा। इनाम की घोषणा की गई है, 25,000 रुपये पूरी टीम को कप्तान साहब द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।